फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइवरेट के साथ। आज हम जा रहे हैं दुबई स्टेडियम, जो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग के साथ ऑफिसियल कॉलिक है भाई, आपका नाम बताओ। या माय नेम इज मिस्टर फैजल, आप लोगों के साथ आज पहली बार मुलाकात हो रहा है। अरे गाड़ी चला रही है, कौन है? और आप लोग तो मुझे जानते होंगे, मैं तो आसाम से हूँ, गुवाहाटी से स्पेशली। और ये मेरे ईशान भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आज हम सब एक साथ मिल के दुबई इंटरनेशनल की क्रिकेट स्टेडियम में जा रहे हैं, इंडिया वर्सेस हांगकांग की मैच इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग मेरी आप लोगों से पूरा दिखाता हूँ। जैसे जानते ही है मिस्टर ईशान साहब की ये चैनल में अभी हम चारों को दिख रहा है, इंडिया वर्सेस हांगकांग की मैच देखने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग आज स्टार्ट किया हूँ ट्रैवलिंग अबू धाबी से दुबई के लिए, और अबू धाबी से दुबई की डिस्टेंस तकरीबन 140 किलोमीटर है। और हम लोग चारों जा रहे हैं, ड्राइविंग जो कर रहे हैं हमारे बॉस मिस्टर वासिम साहब, ये तो आप जानते हैं ईशान साहब, और हमारे दूसरे कॉलिंग यहाँ पे फारेस मिस्टर, ये भाई केरला से, ये भी भाई केरला से, और मैं आसाम से हूँ, ये वेस्ट बंगाल से, ये पूरी इंडिया हम एक साथ हैं। आज की मैच बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज विराट कोहली वापस फॉर्म में आने वाले हैं भाई, 100% आएगा। क्या बोलते हो मिस्टर वासिम साहब, आज विराट कोहली साहब कितना करेंगे? मिस्टर कोहली सेंचुरी बनाएगा, सेंचुरी हो ना हो आज तो 50 परफेक्ट होएंगे, इस पर कोई डाउट ही नहीं। 110% आज विराट कोहली फॉर्म में वापस लौटेंगे, किंग कोहली आज पहली बार 2 साल के बाद आज वापस फॉर्म में लौटेंगे, और ज़बरदस्त फॉर्म में आएंगे वापस। आज ही मौका है उनका, जो उनका अपनी पुरानी जो छवि है, जो किंग है, वही वापस लाने के लिए। जी हाँ, जैसे अबू धाबी से दुबई जाने की दूरी 140 किलोमीटर है, अगर हम इंडिया में यही ट्रैवल करते हैं तो 3 से 4 घंटे की टाइम पक्का लगने वाला, 4 घंटा तो मिनिमम लगे ही गए। पर यहाँ पे हमारे जो वासिल साहब इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है इनके पास, इंटरनेशनल लाइसेंस है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ये ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। क्या बात है, क्या बात है। और इन्होंने सिर्फ ये दूरी सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट में ये कवर कर लेंगे। जैसे ये गाड़ी नहीं, 4 व्हीलर्स थे, ये हेलीकॉप्टर चला रहे, इस तरीके से चला रहे। अभी फिलहाल स्पीड कितना है आप लोगों को, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अभी फिलहाल 160 स्पीड में जा रहे हैं हम लोग अभी। जी हाँ दोस्तों, देखो हम लोग ओनली 1 घंटे 10 मिनट का अंदर हम लोग दुबई पहुंच गए, अबू धाबी से। ये होती है दुबई की सड़कें, दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई की ड्राइविंग। अच्छा मेट्रो दिखा दो यार, मेट्रो चलेगा। और मैं आपको ये दुबई की मेट्रो लाइन भी दिखाता हूँ, जो दुबई मेट्रो पूरी दुबई सिटी को कवर किया है। जो ये दुबई की मेट्रो है, तो ये मेट्रो की ये दुबई की मेट्रो स्टेशन है, या आप लोग मैं मेट्रो स्टेशन से दिखाता हूँ। ये देखो दुबई की मेट्रो स्टेशन कितनी खूबसूरत है, ये डांगी मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे 100 की कैपेसिटी में आप ड्राइविंग कर सकते हैं। थोड़ी देर आप लोगों में बुर्ज खलीफा भी, बुर्ज खलीफा की भी व्यू।
पार्किंग बहुत दूर में रोका है क्योंकि पार्किंग नहीं मिला था आज, तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेडियम, अब वॉकिंग जाने पड़ेगा। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग स्टेडियम के अंदर दाखिल होने वाले हैं। यहाँ स्टेडियम का बाहर का व्यू है, काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि हम लोग आते आते ऑलरेडी सिक्स 35 हो चुका है और ऑलमोस्ट गेम चलने में 35 मिनट हो चुका है। सो देखते हैं अभी दुबई स्टेडियम के बाहर का व्यू देख लीजिए, बहुत अच्छा है। मोस्टली लेट हो चुका है, अभी अंदर से बहुत आवाज़ आ रही है, लग रहा है सवा छक्का पड़ रहा है। ये वाला एंट्री गेट है हम लोग का, अभी G2 से हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर टिकट चेक हो रहा हम लोग का, अभी देखिए विराट अभी पीछे में आया हुआ है, ये फील्डिंग का फील्डिंग के लिए आया है। अब पीछे से लोग विराट विराट चिल्ला रहे हैं, पर विराट तो अपना ध्यान दे रहा है खेलने में। और अभी विराट अभी एक बोतल जूस लेगा, फिर वहाँ से निकल जाएगा। देखिए अभी यहाँ से जूस लेता है, यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वहाँ से भी बैटिंग हो रहा है ना, इसीलिए। फाइनली स्टेडियम वाले पहुंच चुके हैं, वाओ लाइव मैच देखने का बात ही कुछ और है, वाओ। गेम देखने के लिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं, विराट कोहली है इंडिया इंडिया विराट विराट इंडिया तो यहां पर विराट नहीं है। बहुत एंजॉय मिला इस गेम देख के, अभी तक गेम चल रहा है, चला गया बस अब सेट पे बैठे, देर में बहुत जल्द गेम खत्म होने वाला है, खत्म होने करने का तैयारी करने वाले हैं। देख सकते हैं मैदान में बहुत चक्कर फूल लगा हुआ था, Thank you.
गाइस अभी हम लोग खाना वाना खा लिया है, अब दुबई से निकल रहे हैं अब अबू धाबी जाने के लिए। हाँ ड्राइवर साहब, पेट भर गया तो खा के? बोलो बोलो, मजा आ गया। अरे असामी भाई तो खाए पी के सो रहे हैं, खाए पी के सो रहे हैं, खाए पी के असामी भाई सो रहे हैं। ज्यादा बंदा सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय बाय।